नमस्कार, मामाज मील किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैगी वाली सैलड, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि इसके अंदर मैगी डाली हुई है। इसके लिए हमने एक पैकेट मैगी का लिया है, जिसको बिना मसाले के उबाल के मैंने ठंडे पानी में से निकाल के रख दिया है। एक हमने खीरा है जो क्यूब्स में काट लिया है, एक टमाटर बड़े वाला, एक प्याज है, आधी हरी वाली शिमला मिर्च है, 200 ग्राम पनीर है, आधा कप स्वीट कॉर्नस है, एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 चम्मच, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी है, आधा छोटा चम्मच नमक है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो, एप्पल साइडर विनेगर 2 चम्मच, आधा कप रोस्टेड पीनट्स है, और एक हमें नींबू का रस चाहिए। अब हम सबसे पहले एक बड़े बाउल में नींबू को निचोड़ेंगे। अब हमने एक नींबू इसमें निचोड़ लिया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले चीनी डालेंगे, नमक, काली मिर्च और ऑरिगेनो पाउडर, विनेगर, ऑलिव ऑयल भी डाल देंगे, मस्टर्ड पेस्ट। ये सारों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें ये मैगी डालेंगे और खीरा, टमाटर, कॉर्न्स, पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, पीनट्स। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यह सैलड बिल्कुल तैयार है। अगर स्वाद अनुसार आपको नमक या चीनी कम लगे तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।